खबर है कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन ने अपने 180 लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की सीमा के पास भेज दिए ताकि किसी भी तरह से दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाकर उसे झुकाया जा सके। लेकिन दावा है कि किम का ये दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही उनके फाइटर जेट उसकी सीमा के पास पहुंचे, दक्षिण कोरिया ने भी अपने लड़ाकू विमानों को मैदान में उतार दिया। खबर है कि इसके बाद उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को लौटना पड़ा। यही नहीं, किम की इस हरकत के बाद दक्षिण कोरिया ने उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया के अमेरिका की वायुसेना के साथ मिलिट्री ड्रिल से नाराज हैं। दावा है कि इसीलिए वो परमाणु हथियारों को टेस्ट कर दक्षिण कोरिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी मिलिट्री ड्रिल जारी रखेगा। इधर भी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को रोकने के लिए अमेरिका ने अपने दुश्मन रूस और चीन से मदद मांगी है। अमेरिका को इनके आगे इसलिए हाथ फैलाना पड़ा क्योंकि उसकी लाख चेतावनियों के बाद भी किम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि किम अब न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में है और इसी बात से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि अमेरिका को यह डर है कि अगर उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लिया तो उसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को रोकने की हर संभव कोशिश की थी। किम की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका ने भी एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी थी। यहां तक कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा के पास कई दिनों तक मिलिट्री ड्रिल भी की, लेकिन इसके बाद भी किम अमेरिका के आगे नहीं झुके। इसी वजह से अमेरिका ने किम को रोकने के लिए रूस और चीन से मदद मांगी ताकि वो उत्तर कोरिया पर और कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे परमाणु टेस्ट करने से रोकें। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस की बारूदी सुरंग तबाह करते नजर आए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बारूदी सुरंग बिछाकर किसी बड़े हमले की फिराक में थी। लेकिन इससे पहले कि वो इस हमले को अंजाम दे पाते, यूक्रेन की सेना ने उसे बर्बाद कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर बारूदी सुरंग बिछी नजर आई, जिस पर यूक्रेन की फौज ने ड्रोन से बम गिरा दिया जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना ताकतवर था कि वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को ढक लिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। इधर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में इसुदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। इसुदान गढ़वी पेशे से पत्रकार रहे हैं और उनके नाम का ऐलान खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया। पार्टी ने सीएम पद के चेहरे के लिए गुजरात की जनता से राय मांगी थी। दावा किया गया कि जनता ने इसुदान गढ़वी का नाम सुझाया। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल के मौजूदा डीजी संदीप गोयल का तबादला कर दिया गया। ये आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जारी किया गया जिसमें उनका तबादला दिल्ली पुलिस में कर दिया गया। तिहाड़ जेल के डीजी रहते हुए संदीप गोयल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे जिसके बाद उनका तबादला किया गया। अब आईपीएस संजय बेनीवाल तिहाड़ जेल के डीजी की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बीच ट्विटर ने अपने 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इलॉन मस्क ने कंपनी संभालने के बाद बहुत बड़ी छटनी की और सुबह के 3 बजे ट्विटर के 3,700 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी। कर्मचारियों ने जब अपने लैपटॉप चालू किए तब पता चला उनकी नौकरी जा चुकी है। रात में ही सबका डेटा कंपनी ने हटा दिया था।